जय श्री राम। मेरे धनु राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा, आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम मानस ज्योतिष ज्ञान लेकर के उपस्थित हूं। कैसे व्यतीत होगा वर्ष का अंतिम महीना 2023? शास्त्र कहता है कि अंत भला तो सब भला। पूरा वर्ष किस प्रकार निकला इंपॉर्टेंट नहीं है, अंतिम महीना यदि मेरा अच्छा निकल जाए तो मेरे लिए अच्छी परिस्थिति होगी। तो यह अंतिम माह आपका किस प्रकार निकलेगा और क्या करना चाहिए अंतिम महीने को ताकि सुंदर और बनाया जा सके, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन सभी विषयों पर मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमको चर्चा करने की आवश्यकता है, हमको बात करने की आवश्यकता है। तो पहले आइए आपके लिए धनुराशि के लोग बात कर लेते हैं कि आपकी प्लैनेटरी पोजिशन, आपके ग्रहों की जो परिस्थितियां हैं वो किस प्रकार रहने वाली हैं। सो आपकी राशि के अंतर्गत बुध गोचर करेंगे, सूर्य मंगल 12th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, शुक्र 11th हाउस में गोचर करेंगे, शनि 3rd हाउस में, राहु 4th हाउस के अंतर्गत, केतु 10th हाउस में और बृहस्पति 5th हाउस के अंतर्गत। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं कि भाई तो ये जो प्लैनेटरी पोजिशन बन रही है, जो ग्रह का संयोग बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम मोटा मोटा बात करें तो कैसे व्यतीत होगा मेरा दिसंबर का महीना। सो दिसंबर के महीने में नौकरी छोड़ करके व्यापार की तरफ मूव ऑन होने का विचार आपके मन में बार बार आएगा। नौकरी से हट करके व्यापार की तरफ जाने का विचार आपके मन में आएगा और मेरे विचार से शायद नौकरी से हट करके आप व्यापार की तरफ जाएंगे। खैर, नौकरी में इस समय आपको परेशान किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये माह कुछ नई चीजें लेकर के आएगा, नौकरी में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, तो नौकरी परिवर्तित करके व्यापार की तरफ जाएं, इस प्रकार का संयोग इस महीने मुझे दिख रहा है। साथ में इस महीने किसी के प्रति आपका लगाव इतना बढ़ जाए, अट्रैक्शन इतना बढ़ जाए कि बिल्कुल बार बार उनके बारे में सोचती रहें या सोचते रहें, इस प्रकार का संयोग आपकी राशि में है। इस महीने संतान को लेकर के बहुत इच्छाएं रहें, संतान को लेकर के मन में चिंता रहे, संतान के जीवन को आगे बढ़ाने के बारे में बार बार सोचें, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत दिख रहा है। इस महीने तारीख 24 तक, जब तक कि शुक्र अपना राशि परिवर्तन नहीं करते हैं, तब तक आपको बार बार शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से लाभ हो, आपको आर्थिक लाभ प्राप्त हो, इस प्रकार का योग आपकी राशि में है। 24 तारीख के बाद उसी स्पीड से हानि का भी योग दिख रहा है, तो 24 तक हमको आर्थिक लाभ की तरफ ध्यान देना चाहिए। इस माह आपका विदेश से कुछ विशेष लाभ होने वाला है। विदेश से यानी जिस विदेश का तात्पर्य दो तीन तरीके से हो सकता है, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, विदेश नहीं जाना चाहते हैं या नहीं, तो उनको अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश से मीन्स लाभ हो सकता है। जिन लोगों का विदेश में कोई कार्य इत्यादि है तो विदेश से आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, इस प्रकार का संयोग आपकी राशि में है। अच्छा, अब देखते हैं कि कौन सी डेट किस प्रकार रहने वाली है आपके लिए। दिसंबर 1st, 2nd और 3rd की अगर हम बात करते हैं तो भाग दौड़ भरा रहने वाला है ये 3 दिन, और वाहन इत्यादि आपको सावधानी से चलाना होगा क्योंकि इस दिन दुर्घटना इत्यादि का भी संयोग आपकी राशि के अंतर्गत दिख रहा है। भाग दौड़ अत्यधिक, दुर्घटना इत्यादि का योग और मानसिक अशांति, इस दिन भगवान शंकर की आराधना करके ही घर से बाहर निकलना है ताकि परिस्थितियां आपके लिए बेहतरीन हो। तो ये एक खास चीजें हैं जिसको आपको अपने जीवन में विशेष ध्यान रख करके आगे चलना है। अच्छा, अब हम अगर बात करते हैं 4 और 5 की, धार्मिक यात्राएं काफी सारी होंगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा, रुके हुए कार्य आपके निश्चित रूप से होने वाले हैं। 6, 7, 8 नौकरी में कुछ नया हो सकता है, कुछ नया प्राप्त हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ नई घटनाएं हो सकती है। केतु यहां पर बैठे हुए, ध्यान रखिएगा, कोई भी डिसीजन नौकरी से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड लेने से पहले बहुत बार सोचिएगा। ये 3 दिन इस प्रकार भी हो सकते हैं कि आपके डिसीजन से आपको बहुत लाभ हो जाए, लेकिन उसी के साथ क्रोध इत्यादि करने से, इसलिए षड्यंत्र करने का भी लोग प्रयास करेंगे तो नौकरी चली जाए, इस प्रकार की भी परिस्थिति है, तो सावधान रहने की भी आवश्यकता मुझे लगता है इन दिनों में होगी। 9-10 तारीख को अगर हम बात करते हैं, आर्थिक लाभ होगा, पर इस दिन शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा लगाना बेहतर नहीं होगा, उस दिन शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा लगाने से आपको नुकसान हो सकता है। सो इस प्रकार से आपके समय रहने वाले हैं। आपका जो स्पेशली बात किया जाए 10, 11 और 12 तारीख को, तो
तो ऐसे कंडीशन में ये दिन जो है वो आपके लिए थोड़ा सा परेशान करने वाले रहेंगे, हॉस्पिटल में चक्कर इत्यादि लगाना पड़ेगा। बट अगर हम बात करेंगे 13, 14, 15 बहुत शानदार रहने वाला है ये दिन आपके लिए। अगर बात करें हम 20, 21 आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। 26, 27 अगर हम बात करते हैं उसके साथ साथ 26, 27 और 28 मैरिज इत्यादि से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट काम होने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि समय कम है तो अब आपको यहाँ पर और लंबा ना खींचा जाए इस प्रोग्राम को। आप एक काम कर सकते हैं, रात को 9 बजे दोपहर को 12 बजे मैं लाइव होता हूँ, मेरे साथ लाइव में जुड़ सकते हैं, आगे पीछे बात करना चाहें नंबर है आपके लिए, समय लेकर बात कर सकते हैं। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़, 9 वर्ष पर आपके लिए मैं बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ करने जा रहा हूँ। तो अगर 9 वर्ष के पहले दिन ही यज्ञ होगा, करीब 5 दिन चलने वाला है, सो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत यदि आप यज्ञ में भाग लेना चाहते हैं, लेना चाहती हैं, चाहते हैं आपके परिवार के लिए कुछ किया जाए, तो प्लीज नंबर है, आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।